तो ये जो है हमारा टैली का सेकेंड क्लास है, ठीक है। यानी कि पिछले क्लास में जो फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया, टैली के बारे में बताया था कि टैली में हम क्या काम करते हैं, टैली को क्यों यूज करते हैं, टैली में क्या क्या पढ़ना है, बाकी ए टू जेड एक्सेट्रा अबाउट ऑफ टैली, यानी कि टैली का जो भी अबाउट होता है वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। कि इसके ये जो मतलब टैली है किस कंपनी ने बनाया था, कब बनाया था और कहाँ की कंपनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताया था कि टैली में जो है आपको कुछ चीज़ें जो है यूज होता है जो कि हमको जानना होता है, जैसे कि मान लीजिए अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अब आप अकाउंट से बेसिकली क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम जो है सिंपल वैसे में अगर अकाउंट्स किससे पूछते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारा खाता हो जाता है, ठीक है। तो सेम लाइक खाता ही होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है अकाउंट खुलवाते हैं किसी बैंक में, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे भी आप क्या करते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, वो भी आपका क्या होता है, अकाउंट्स ही होता है, यानी कि खाता ही होता है, ठीक है। तो ये अकाउंट्स बेसिकली होता है क्या है, तो यहाँ पे अकाउंट्स के यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है कि अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच टेल्स द फ्लो ऑफ मनी इन द बिजनेस। यानी कि देखिए टैली में जो है हम जो भी बिजनेस करते हैं उसका मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। तो टैली में जो भी आपका शब्द यूज होगा ओनली फॉर बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका अकाउंट क्या होता है, ये भी आपका बिजनेस का लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है, विच इज टेल्स द फ्लो ऑफ मनी इन द बिजनेस। यानी कि ये क्या करते हैं, इसमें हम जो भी मनी का लेन देन करते हैं, फ्लो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका खाता हो गया, किसी बैंक में अकाउंट खुलवाए हैं, तो उसमें जो भी मनी का लेन देन करते हैं यानी कि वो हमारा क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में या संस्था में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी क्या करते हैं, हम अपना एक मतलब नाम लिखवाते हैं, तो वो भी आपका अकाउंट्स ही होता है, ठीक है। यानी कि उसमें भी हम पैसा देते हैं, लेते तो हैं नहीं, लेकिन यहाँ से फ्लो करते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्या चीज़, अकाउंटिंग। अब ये अकाउंटिंग क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंट विच इज यूज टू रिकॉर्ड, ठीक है। यानी कि अकाउंट जो होता है हमारा अकाउंट मतलब अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंट्स का एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे रिकॉर्ड को क्या करता है, यहाँ से क्लासिफाइड एंड समरी, यानी कि उसको बांटता है और वहाँ पर समरी मेमोरीज कर करते हैं विच डेली यूज इन द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो भी हम बिजनेस करते हैं उसमें डेली, अगर डेली बेसिस पे चाहे तो डेली बेसिस पर भी निकाल सकते हैं या मंथली चाहे तो मंथली बेसिस पर, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन आपको बताया गया है क्या चीज़, डेली बेसिस में। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें डेली बेसिस पर जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, तो जिस प्रोसेस से आप उसको मेथड बोल सकते हैं, जिस मेथड से आप उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अकाउंट्स क्या हो गया, जो आपका बिजनेस हो गया, ठीक है, उसमें जो भी आपका मेंटेनेंस होता है, खाता होता है, वो आपका अकाउंट होता है। और अकाउंटिंग क्या होता है, उस अकाउंट को मेंटेन करने का प्रोसेस, यानी कि जिस प्रोसेस से हम अपने क्या करते हैं, अकाउंट को मेंटेन रखते हैं, यानी कि जो रिकॉर्ड हम रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। इसमें एक और शब्द आता है अकाउंटेंट, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, बेसिकली हम उसको भी बता देते हैं कि आखिर अकाउंटेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे जान लीजिए कि हमने अकाउंट जाना, जो हमारा मतलब खाता होता है वो हमारा अकाउंट होता है, यानी कि जो भी हम अकाउंट ओपन करते हैं वो हमारा अकाउंट रहता है, जो उसका प्रोसेस होता है मेंटेन करने का वो हमारा अकाउंटिंग कराता है, अकाउंटिंग कराता है, ठीक है। और अकाउंटेंट क्या होता है, तो जो हमारा मतलब मेंटेन करता है, जो बैठा हुआ है वहाँ पे मेंटेन करने के लिए, उसको हम लोग अकाउंटेंट बोलते हैं। कभी कभी कोई पूछ भी देता है कि आखिर अकाउंटेंट कौन है, तो वहाँ पे जो मेंटेन कर रहा है अकाउंट को, ठीक है, उसको हम लोग अकाउंटेंट बोलते हैं। जिस प्रोसेस से हमारा मेंटेन होता है उसे हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर दे रहा है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट हमारा कितने प्रकार का होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे हमारा जो है अकाउंट जो होता है तीन प्रकार का होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड होता है रियल अकाउंट और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे फर्स्ट हम लेते हैं क्या चीज़, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल इसके नाम से ही हमको समझ में आता है कि पर्सनल अकाउंट आखिर बेसिकली होता क्या है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट होता क्या है। तो अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन, इस एनी पर्सन यानी कि कोई पर्सन होता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है।
यानी कि हम जो है अगर पर्सनल यूज के लिए मैंने उसका उपयोग करते हैं तो हमारे क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट बोले जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया गया है क्या जी, राम से अकाउंट, मोहन से अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी कैपिटल मतलब होता है पूंजी होता है, ठीक है, जो हम लगाते हैं अपना पैसा वो हमारा यहाँ से हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या जी, रियल अकाउंट। तो बेसिकली ये रियल अकाउंट सेकेंड नंबर होता है। तो ये रियल अकाउंट होता क्या है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अकाउंट्स रिलेटेड टू फिक्स एंड करेंट एसेट्स, यानी कि एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा प्रॉपर्टीज होता है वो चाहे फिक्स हो या करेंट हो तो हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। अब यहाँ पे फिक्स और करेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स मतलब जिसको हम जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट ना करें, ठीक है, तो हमारा फिक्स हो गया। और करेंट मतलब क्या होगा, जब चाहे तब हम उसको पैसा में लेन देन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया गया है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, लैंड हो गया। जो आपका लैंड हो जाएगा वो आप जब चाहे तब उसको सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपका बिल्डिंग हो गया, ठीक है, बिल्डिंग को भी आप जब चाहे तब आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फर्नीचर हो जाएगा, तो फर्नीचर को भी आप जब चाहे तब कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ये सब क्या चीज़ है, फिक्स मतलब अकाउंट है। और ये जो है आपका कैश अकाउंट, जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, जिस चाहे उसको ले सकते हैं, यानी कि ये जो आपका क्या हो जाएगा, करेंट एसेट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और आपका आता है क्या जी, नॉमिनल अकाउंट। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है भाई, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड इनकम, एक्सपेंस एंड इनकम और लॉस एंड गेन, ठीक है। अब ये देखिए, मतलब वैसा अकाउंट रिलेटेड जिसमें हमारा क्या हो, एक्सपेंस मतलब खर्च होता है, ठीक है, और इनकम मतलब जो आय हमारा आता है, आय होता है, लॉस माने हमारा क्या होता है, हानि होता है, और गेन माने प्राप्त। यानी कि सेम वही बात हो गया, इसको घुमा फिरा के बताया गया है। यानी कि जो मतलब ऐसे अकाउंट जिसमें हमारा क्या हो, हानि हो, ठीक है, यानी कि लॉस हो या एक्सपेंस खर्च हो, ठीक है, या इनकम हो यानी कि आय हो, या कोई गेन यानी कि प्राप्त हो, ठीक है, यानी कि इनकम ही आए। जैसे कि मान लीजिए कि डिस्काउंट, इसका एग्जांपल आपको दिया गया है, डिस्काउंट हो गया, या इंटरेस्ट, ठीक है, या परचेज, कोई सामान हम खरीदते हैं, सेल, कमीशन, ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नाम मात्र। तो ये हमारा अकाउंट का मतलब जो भी फंडा है वो होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे 3 golden rules ऑफ अकाउंट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे इतना सटीक बताऊँगा कि आप याद नहीं भी रखते हैं ना तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्या चीज़, 3 golden rules ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा झंझट मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ रहिए, आपको जो है क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आज जितना बताया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।